93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का, 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हम लोग 3 टाइम खाना खिलाए थे। और देखिए युद्ध एक अलग चीज है, युद्ध में लाशें गिरती हैं, लेकिन मानवता रहना चाहिए। जहां हमला करते थे सब, वहां लड़कियों को उठा के लेके चल जाते थे, एक को चार चार पांच पांच को लेके जाते थे, कहते हम पांचों से ब्याह करेंगे, अभी रख के आ रहे हैं। ब्रिगेडियर उस्मानी अपनी सेना लेके पहुंचे और यहाँ पाकिस्तानी सब नौसेरा से आगे बढ़ रहे थे, सब मारे सब उधिया दिया सब। जिस दिन से कमांड लिए थे ब्रिगेडियर उस्मानी, उस दिन से लेके आज 2022 तक पाकिस्तानी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए। ये कौन? हरी सिंह। ये लोल काम किया, कर हम अलग देश बनाएंगे, मानिए नहीं रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन या ब्रिटेन का ऊपर से इशारा था, जितना ज्यादा टुकड़ा हो सके पॉसिबल, जितना टुकड़ा हो सके करो। तो हरी सिंह को अंग्रेजों का भी साथ मिल रहा था। उस समय भारतीय सेना का कमांड प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं था, क्योंकि सेना का कमांड तब आएगा जब संविधान बनेगा तब। हमारा संविधान बना 1950 में, और 47 से 50 का जो 3 साल का टाइम है ना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन का टाइम है कि भारत में शासन अंग्रेज कर रहे हैं कि नेहरू कर रहे हैं कि पटेल कर रहे हैं कि जिन्ना कर रहे हैं, बड़ा उठपटांग का टाइम है, क्योंकि यहाँ कोई संविधान ही नहीं है, जिसका जैसे पहुंच वैसे करे। अब उस समय अफवाह उड़ा दिया सब कि नेहरू का बड़ा अच्छा संबंध है लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी दोनों से। उस समय अब पता नहीं अफवाह था या बड़ी तेजी से बात उठी थी। लॉर्ड माउंटबेटन भारत की बहुत सारे बात मानते भी थे, बहुत बात मानते थे वहां। अब क्या किया जाए? लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के ऊपर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कहा कि जितना टुकड़ा, एज मच एज पॉसिबल ब्रेक द इंडिया, जितना टुकड़ा करना चाहो तो तोड़ दो। अब क्या किया जाए? तो हरी सिंह को तो ऊपर से इशारा मिल चुका था, हरी सिंह को उसका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला कह दिया था, ए महाराज किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने से अच्छा है ना छोटे ही देश का प्रधानमंत्री रहिए, क्या दिक्कत है आपको? कहा गया एक नंबर बात है, यहाँ पे कौन कर लेगा सरदार पटेल वगैरह। यहाँ पे नेहरू ने कहा सेना को, चलो प्रधानमंत्री थे, सेना हमला करो तो कश्मीर पे। सेना की कमांडर कौन था? अंग्रेज। कहा कि कैसे कर सकते हैं आप, कश्मीर को मिला लीजिए, हम तुरंत हमला कर देंगे, हम आदेश ही नहीं दे सकते हमला करने के लिए, हमारी सेना थी नहीं। सरदार पटेल भी विवश हो गए। अब क्या किया जाए? इधर से पाकिस्तानिया क्या किया, आतंकवादी सबको भेज दिया। उस समय आतंकवादी सब लोग उधर ऐसे ही होता है करेगी सर, उतना पहले से आतंकवादी का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है, अचानक कोई चीज थोड़ी डेवलप हो जाती है। अब वहां पे आतंकवादियों को भेज दिया कबीलों के क्षेत्र में, इतना आतंक मचाया सब, वो सब इतना आतंकवाद मचाया सब, जहां तहां मार काट दिया सब। और देखिए युद्ध एक अलग चीज है, युद्ध में लाशें गिरती हैं, लेकिन मानवता रहना चाहिए। जहां हमला करते थे सब, वहां लड़कियों को उठा के लेके चल जाते थे, एक को चार चार पांच पांच को लेके जाते थे, कहते हम पांचों से ब्याह करेंगे, अभी रख के आ रहे हैं। ये हाल था। आप थोड़ा सा भले हंस लीजिए, लेकिन एक मानवता मानसिकता देखिए। हमने भी कारगिल की लड़ाई लड़ी, 71 में पूरा बांग्लादेश घुस गए थे हम लोग, पूरा बांग्लादेश। कोई कह सकता है भारत में बांग्लादेश में कि हमने कहीं पर हमारे सैनिक ने बदतमीजी किया हो किसी से? 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हम लोग 3 टाइम खाना खिलाए थे। देख भाई तू कमजोर है, लड़ने चला आया, गलती हो गया, कोई बात नहीं, हम तुमको वापस कर देंगे। हाउ दबा के खाया था सब 3 टाइम, इतना खाया सब कि भारत में अकाल पड़ गया, दलिदर था सब ससुरा। हम लोग को लाजे शर्म लगेगा, हम लोग पकड़ा जाएंगे तो कहीं खाना खाएंगे लो? हम लोग तो मेहमानदारी में जाते हैं कहीं रिश्तेदार के यहाँ, तो जब ले 4 बार ना पूछे तब ले खाएंगे नहीं, खाना खा लो, अच्छा ठीक है, फिर सोचते एक बार और पूछ रहे सही बात है कि नहीं? लड़की से तो 4 बार 5 बार पूछती है सर। हाँ जी, हमारे ऐसा आदत होता है। हमारी एक बार बुआ आई थी नहीं तो, तो हंसी मजाक हमारा शुरू से ही बहुत हंसी मजाक करते रहते हैं, तो नहीं नाश्ता निकाला जाता है तो नाश्ता दे रहे थे, तो कही कि मत निकाल बाबू, हम आपके लिए नहीं निकाल रहे बाद में हम उनको दिया, अरे बुआ आप काय गुस्सा जाती हैं वो लोग भी समझती हैं कि हमको हंसी मजाक का आदत रहता। तो लेकिन भारत क्या आपको लगेगा कि कहीं जाइए हुमच के खाइए दूसरे देश में? कोई नहीं खाएगा इतना जावे, और पाकिस्तानी से हुमच के खाया समाप्त। अब देखिए यहाँ पे जब ये कबीला वाले घुस गए सब, और इतना एरिया कब्जा हो गया,
इतना एरिया कब्जा हो गया। तब हरि सिंह का होश आया कि बबुआ जितना जल्दी साइन करना है कर लो, और अगर विलय पत्र पर साइन नहीं कर पाते हो कोई ठीक नहीं, तुम्हारे घर का भी बहन बेटी उठा ले जाएगा सभी कबीला वाला। हरि सिंह तुरंत साइन किए सिग्नेचर ऑफ एनेक्सर पे, वहां पे विलय पत्र पे साइन किए कि मैं कश्मीर का राजा हरि सिंह भारत में विलय करने के लिए हस्ताक्षर करता हूं। जैसे हस्ताक्षर हो गया अब सेना पूरी तरह जाने के लिए तैयार थी। यहां बलूचिस्तान के पहले भारत था, इधर भारत तो पाकिस्तान एक ही था ना पहले, यहां बलूचिस्तान रेजिमेंट में एक बहुत ही काबिल अफसर थे ब्रिगेडियर उस्मानी, ब्रिगेडियर उस्मानी तो उनका भले बलूचिस्तान रेजिमेंट में थे, तो बलूचिस्तान रेजिमेंट तो 1947 के बाद ना बना जी। अचानक आज भारत का कोई दो टुकड़ा कर देगा तो क्या आपको लगता है दोनों टुकड़ों के बीच में मोहब्बत खत्म हो जाएगी? कभी नहीं होगा यहाँ पे। तो ब्रिगेडियर उस्मानी को जिन्ना ने कहा हमारे यहाँ आइए आपको, हम आपको सेनापति बनाएंगे, क्योंकि ब्रिगेडियर उस्मानी बहुत योग्य थे और वो ब्रिटिश आर्मी स्कूल से पढ़ के आए थे, ब्रिटिशर्स भी थे। नेहरू ने कहा कि ठीक है अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन हम तो आपको यही सोच रहे थे कि आपको इन कश्मीरियों से लड़ने के लिए आपको कमांड दे के भेजे ताकि इन्हें वापस कर सके। ब्रिगेडियर उस्मानी ने जिन्ना को गरिया के रख दिया, रख फोन रख चट्टा कहीं का आ रहे हैं, मुलाकात होगी कश्मीर में। और ब्रिगेडियर उस्मानी अपनी पूरी पलटन लेके, सरदार पटेल गृह मंत्री थे आदेश दिए ही थे, और इधर नेहरू ने आदेश दे दिया और उधर हस्ताक्षर कर दिया, संवैधानिक अधिकार हो गया। ब्रिगेडियर उस्मानी अपनी सेना लेके पहुंचे और यहां पाकिस्तानी सब नौसेरा से आगे बढ़ रहे थे, सब मारे सब उधिया दिया सब। जिस दिन से कमांड लिए थे ब्रिगेडियर उस्मानी उस दिन से लेके आज 2022 तक पाकिस्तानी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए, एक कदम नहीं आए। हालांकि नौसेरा में ब्रिगेडियर उस्मानी के ऊपर तोप का गोला गिर गया था, तोप का सीधा गोला गिर गया वहां पर, उनको वहीं पे सही शहादत हो गई थी। बाद में उन पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया, उनको बहुत सम्मान दिया गया। वो भारतीय सेना के इतिहास में ऐसे कई सेनापति गुजरे हैं जिन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी, उसमें उस समय के जितने तत्कालीन सेनापति थे उन्होंने कहा था कि यदि ब्रिगेडियर उस्मानी यदि शहीद नहीं हुए रहते तो वो आज़ाद भारत के पहले मुस्लिम सेनापति होते। तो पाकिस्तान जिस नींव पे रखा था कि मुसलमान इधर हिंदू उधर, वो शुरुआत में ही दिखा दिया गया था कि यह कभी नहीं हो सकता, और आज भी ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में, बस थोड़ा सा ही मशरूम जो नेतवा है सब ना ये समझ जाए सब, यहाँ पर ये अंग्रेजों से कम थोड़ी है, सब अंग्रेज से भी खतरनाक है सब यहाँ पर। उसका ना ये डेल्टा वेरियंट है सब, अंग्रेज तो कोरोना था फर्स्ट वेव था, नेतवा सेकेंड वेव है सब, समझ आ गया कि ना इसका वैक्सीन भी नहीं बूस्टर डोज लगना पड़ेगा। और यही एरिया क्या कहलाया? POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अब बताइए इसमें सबसे भयंकर गलती आप हरि सिंह का नहीं मानते हैं, सेना कैसे जाती जब तक हरि सिंह ने साइन नहीं किया था? अब हरि सिंह को समझ में आ रहा होगा कितना बढ़िया सिंधियों को अपना महल मिल गया, राजस्थान वालों को मिल गया, बढ़िया से रहो, इसको ही मिल जाता ना, अपन देश बनाएंगे, बनाओ सरदार पटेल। उसके बाद UNO कूद गया, UNO नया नया बना था उस समय, सरदार पटेल नेहरू ये सब वकील थे और बड़े बड़े वकील थे, इन्हें लगा कि UNO इस मामले को सुलटा देगा। आज हमारे पास 70 साल पुराना UNO है, हम जानते हैं कि इसको अगर UNO में आप मुकदमा कीजिएगा तो 100 साल बाद ही कोई रिजल्ट आएगा, लेकिन उस समय तो कोई नहीं जानता था। इनको लगा नेहरू को निपटा लेंगे, सरदार पटेल भी वकील, इनको भी लगा कि हम क्या करेंगे निपटा लेंगे, लेके चल गए मुकदमा कहां पर, UNO। अब आप कहेंगे कि युद्ध क्यों नहीं हुआ, युद्ध कर सकते थे लेकिन कश्मीर पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है, वहां युद्ध करना काफी खर्चीला आता है, और जब देश आजाद होके गए थे लोग तो देख रहे हैं कितना बिखरा हुआ था, कुछ संसाधन नहीं थे, हमारे सैनिकों के पास बूट नहीं था, पीटी करने वाला पिलक्का जुतवा नहीं होता है कैनवास का कपड़ा का, वो था हमारे सैनिकों के पास, तो काफी चीजों को सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता, होता है कि नहीं होता। हालांकि कश्मीर डिसीजन हमारे लिए एक बहुत ही दुखद था यहाँ पे, जिसके लिए कई चीजें जिम्मेदार थी, जिन्ना की अति आक्रामक नीति थी, हरि सिंह का डिले करना था, अंग्रेजों का प्री प्लान था, माउंटबेटन कुछ बोलता था ऊपर से आदेश कुछ आता था, तो हम लोग एक चक्रव्यूह के क्या हो गए, शिकार हो गए यहाँ पर। अब कश्मीर में जब हुआ तो हरि सिंह ने साइन करने के समय एक शर्त रख दिया, किसके कहने पर, शेख अब्दुल्ला का, कि हम साइन करेंगे एक ही शर्त में कि हमारे लिए एक अलग से व्यवस्था होगा,
तो नेहरू ने कहा कि भैया पहले साइन तो कर ससुरा, तू नहीं तोरा साइन कैला के चक्कर में घुसते चला रहा है, पूरा कब्जा कर लेगा तो तू साइन करेगा? हाँ, जब पूरा कब्जा कर लेगा तो तुम साइन करके क्या करेगा? तो हम लोग की मजबूरी थी, आनंद फानंद में हमने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, उसी में चुट्टा जोड़वाया 370, कहा कि हम अपना कानून 370 में ले आके मैच करेंगे, और वहीं ले आके 370 को जोड़ दिया। पहले उस समय साइन हो गया, जोड़ा, अब आगे जब 370 पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी आप रफली समझिए। अब वहीं जोड़ दिया गया कि भारत का सभी कानून 370 पे नहीं लगेगा, लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब पहले से एगो संविधान जोड़ के रखे थे भारत के संविधान में पहले से, कि कोई भी राज्य संघात्मक व्यवस्था का पालन करेगा, अपने शासन अच्छे से करेगा, यदि वहां कोई सरकार नहीं है तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकते हैं। 2019 में वहां आपस में गठबंधन की सरकार टूट गई थी, वो कह रही थी हम बनाएंगे, इनको पते नहीं रहा अंबेडकर साहब मास्टर चाबी छोड़ के गए हैं, जब वहां सरकार है ये नहीं है तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकता है, और राष्ट्रपति हस्तक्षेप करते सबसे पहले उड़ाया 370। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जिस समय 370 जोड़ा गया, या आज से 5 साल पहले जब से 370 हटा नहीं था, किसी को लगता था 370 हट जाएगा? नहीं हटेगा। हालांकि 370 के प्रावधानों को हटाया गया है, 370 कभी नहीं हटेगा, क्योंकि 370 ही कहता है कि जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा है, 370 ही हटा देंगे नहीं ना हटा देंगे, भारत से कट जाएगा वो। उसके जो विशेष प्रावधान थे ना, प्रावधान को राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, हटा दिया, राष्ट्रपति ने हटा दिया वहां पे। बहुत हटाने के बाद पूरी सेना भर दिया गया, सेना भरने के बाद कोरोना आ गया, मामले दब गया। ये बात हकीकत देखिए, कोरोना में 19 में आया था, 6 महीना तो हम लोगों ने दबा के भर दिया सैनिक, अरे अगस्त 2019 में ही हटाया गया था 370 मानसून सत्र में, 6 महीना बाद आ गया कोरोना, 6 महीना तो दबा के पूरी सेना भरा गया था, और उस समय इंटरनेट काट दिया गया, सब काट दिया गया, चलाओ पत्थर कुछ बाहर नहीं आने वाला है, वहीं पे मरे कुचाओ, यहाँ पर पूरी सप्लाई रोक दी गई थी, और तब तक आ गया क्या चीज, हाँ कोरोना आ गया। कोरोना ने 2 साल तक एक नया इतिहास जोड़ दिया यहाँ पर, अलगे हो गया व्यवस्था, अब कहीं कुछ नहीं होता है। कश्मीर के लोगों को भी हम तो कहते हैं कि एक बार कश्मीर को 6 महीना के लिए टूर पे भेजना चाहिए लाहौर वगैरह में, उसके बाद भारत में आएंगे तो कभी नहीं कहेंगे यहाँ से जाना चाहिए। आगे बढ़े, सरदार पटेल ने कितना पापड़ बेला दिख गया, 552 राज्य आराम से मिल गए थे, यही 3 गो खचराई किया था, हाँ ये को कुत्ता वाला सरदार पटेल को कुतवा नहीं भेजना चाहिए था ये रख के मारना ही है, चाहे चाहे चिल्लाता तो गए वहां तक लहरता, मेरे कुत्ता मार रहा है ये हैदराबाद हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? सबसे ज्यादा झमेला किस में हुआ था, हाँ कश्मीर में हुआ था।